आपण मानू समस्त मोर चैनल हेल्दी फूड बाय वंदना को अनेक अनेक स्वागत। आज मुण मान सहित बहुत टेस्टी आ बहुत हेल्दी इजिली बनी पार्थ्वा बेंगलर गोटे फेमस रेसीपी दही पोटल को सेयार करी। बिना प्याज रसुण से बहुत कम समय बहुत कम उपकरण में यह रेसीपीटी प्रस्तुत होता है। आपण यह देखिकी भी यार टेस्ट को अनुमान करेकोसी पूजा पर्व पर्वाणी व्रत आपण मैंने टेस्टी पोटल रेसीपी को घरे अति सहजरे बनई ने चलतु ताल प्रस्तुत करने दही पोटल देखु। प्रथम मु आठ दसटा पोटल को भाव टे चोपा छड़े काटी आपरे चोपा टे छाड़ दीजिए। देखो मझी मुझे चीरा भी लगे सो दैट कि आम मसलाटा भितर पशापी सुविधा हे ठीक अच्छे। एपटे मु देखते ये तेल कड़ई बसई कड़ई में मुझे दुई टेबुल चमच तेल पकईदी आल ये आम तातिला पोटल को एथेर पकईकर भाजी ने प्रथम देखते पोटल पक सामान्य लुण टे हल्दी गुंड टे आड कर घोड़े आम भल भाव भाजी ना बटन में भाजी नौचे टे सीम आंच सीम मीडियम कर भाजी ना। एबे देखंतो एटी गोटे जगह मु गोटे चम्मच नेली धनिया पाउडर अध चम्मच जीरा पाउडर अध चम्मच हल्दी पाउडर देखंतो लंका पाउडर अध चम्मच टिके अधिका आ एटी काश्मीरी लंका पाउडर गोटे चम्मच टिके पानी देके आमे को घोल कर नमा जेटा आमे एमती सुखिलार भी आपण पकई परबे किंतु जेहेतु आमे टे पा करदे आमको मान कड़ाई जिते आम कर मसला पोड़ जबार भय नए देखो आम ये पोटल पूरा भाजी जाइए। आम ए पोटल को काढ़ी ना देखो पोटल पूरा भाजी जाइए पोटल को काढ़ी एवं देखो ये मो अध चमच जीरा दुटा गुजराती टे डालचीनी लवंग चार्टा और तेजपत्र कड़ाई आम गोटे टे अध चमच तेल पकईले आम आम जो गोटा गरम मसला नहीं चेमें एड कर ना देखो गरम मसला प्रथम जीरा पकईली तेजपत्र गुजराती नाइचुनी देखो ये अदा टिके मुझे बाटी नहीं सामान अल्प खंडे अदा ताको आड कर देखो या गोटे दु मिनट पर्यटन कषि ना एम जो मसला को आमर प्रिपेयर कर रखी थे जो धनिया गुंड जीरा गुंड लंका गुंड आम यागे आड कर ना आगे हाँपी दबा देखो ये मो आठ दसटा काजू को नहीं चाहिए काजू आ चारमगज मिसेक भी ने देखु ये मुझे दही ना पूरा पूरी बसा दही मुंडा दही हो दरकार अच्छे दही जदि ये ना टे छाणी ने शुखला दही तो ये मुझे पकाच तीन चार चामच दही आप देखिक पकेबे टे बहिया दही पकेबे पोटल क्वांटिटी अनुसार मुझे चार चामच दही पकाच ठीक है। दही और काजू को आम बर्तमान ग्राइंड करके गोटे स्मूथ पेस्ट तैयार करना पेस्ट कर देखिए मुझे देख ए देखो आमर एपटे यहाँ भाजी गला तो आम जो दही काजू पेस्ट ये तैयारी करे आसंग आड कर ना जो दही काजू पेस्ट को मुझे नहीं आड कर देखो दही काजूर पेस्ट को या संगे भल भाव गोल अच्छा जो दही काजु पकड़े सब आंच को सीम रखिए आपको कंटिन्यूसली आप भाव में चलाउे ना दही आम छिड़ जबार चान्स अच्छे दही फाट जा तेणु सब कंटिन्यूसली करेंगे तो दु तीन मिनट भितर जो आम नेक्स्ट आम प्रोसेस को जी बहुत जल्दी हो जाए जो आम कि पकेबानी दबा ए देखो आमर यहाँ हो गला मसला देखो पूरा पूरी तरह रंग पूरा पूरी होगला एम पकेबा आमर नेक्स्ट जिन पकेबा आम देखु टे
लुण पकाइ आमे पोटळरे बि लुण पकाइजे तेणु अबिका आमे लुण अछे देखिकिरी आपणकर स्वाद मुताबक एथिरे लुण आमे भितरे आड करनबा एबे देखन चीनी एथिरे गोटे चमच आमे आड करनेले अच्छा चीनी आपण देखिबे दहीटा सबबेले टिके फ्रेश नैतिबे कना दही जदि खट्टा हेबो ताले भल लागिबनी आउ चीनी बि आपण देखिकिरी जदि तरकार पडे टिके अधिक चीनी बि आपण आड करि पारंथि एबे चीनी आउ लुण जो पकेला आउ टिके भल भाबरे मिसै नबा ए देखु एमें पा एड करे आम ए बेस पा दबानी गोटे कप अध ग्लास पा दबा कहीं ये बेस झोल रेबनी ठीक अच्छे एवं देखते पा आम फुटीगला एवं आम भाजी रखी पोटल को आड कर ना देखो आंच को सीम करनवा आम करें घोड़े नहीं पांच रु सत मिनट हाँपाई दबा देखो आम पोटल पूरा फुटुची आपको पांच सत मिनट भितर से पूरा रसता भितर पूरा पशिजी आ बढ़िया भाव में हो कोड़े के बे मुँह छाड़ दो देखु आमर एटा पूरा होना ये हो सारापर आउ टे सुखीज आम ए गैस चूल्हा को बंद करनवा आऊपर सामान्य देसी घी आउ गरम मसला टिके ऊपर देदे देख सामान्य गरम मसला आम उपरे देदे सब घोड़े टिके मिसेदे प्रस्तुत हो गला आमर दही पोटल देखते दही पोटल आमर के बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जाए देखिक जापारे टेस्ट के बढ़िया होता बोली एवं देखु आमर दही पोटल के बढ़िया भाव में हो जाए देखिले तो केते कम समय रे आउ केते सहज रे आमे एही टेस्टी दही पोटल को बनई नेले आपण माने निश्चित भाव रे आको घरे प्रस्तुत करंतु आउ आपण देखिबे थरे जदि आको प्रस्तुत करिये बारंबार आपण आको बनईबे आ वीडियो की भली लागिला निश्चित भाव रे शेयर करंतु कमेंट सेक्शन रे आ वीडियो जदि भली लागिछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पय जम्मा भूलंतु नै पुणी गोटिया नुवा वीडियो सहित आसीबी रहूछि नमस्कार।